अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज भी पुर्तगाल का वेदर खासा गर्म होने वाला है। अभी 6:30 का टाइम है मॉर्निंग में, लेकिन बिल्कुल हबस सी फील हो रही थी, तो मैं बाहर बालकनी में आके खड़ी हुई, तो मुझे याद आया जब यशवा स्कूल जाती है ना, तो मैं ऐसे ही उसको बालकनी से देखती हूँ, ऐसे यहाँ से यशवा बस में बैठ के ना, तो फिर सांता प्लोनिया जाती है, फिर वहाँ से एक बस चेंज करती है और फिर स्कूल जाती है। तो जी, आज का वेदर भी खासा गर्म है और पता नहीं, आसमान भी बिल्कुल सुर्ख सा हुआ हुआ था। पहले लोग कहते थे ना ऐसे, वो तो फिर आंधी आती है या कोई कत्ल वगैरह होता है। और फिर मैं आई थी किचन में और जैद मेरे साथ ही किचन में आ जाता है। अभी वो मोबाइल पे मैंने उसको ऐप करके दी हुई है सूरतों की, और वो उस पे से ना सूरतें याद करता है। उसे मस्जिद में जाना होता है 3 दिन, तो वहाँ पे उनको ना सूरतें वगैरह याद करवाई जाती हैं। वैसे तो मैं उसको कुरान पाक घर ही पढ़ाती हूँ, लेकिन 3 दिन इसलिए उसको लाजमी भेजती हूँ ताकि वो जो इस तरह की सूरतें वगैरह है ना वो याद कर ले। और ये मोबाइल से बड़ा ईजी रहता है, वो वॉइस आती है और फिर जैद उसको साथ साथ ना रिपीट करके कर लेता है। आज मैंने एक ट्राई की थी नई रेसिपी, चिकन बोनलेस बलोची कढ़ाई, तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। एक ही रेसिपी बिना बना के ना इंसान बोर हो जाता है। तो जस्ट चिकन में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और उसमें फिर मैंने ये बोनलेस चिकन डाल दिया था, उसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया था जब तक वो वाइट हुआ था। फिर उसमें मैंने ये जो प्याज थे ना चॉप करके, बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप करके, वो आपने डालने हैं। तो जस्ट इसको आधे मिनट के लिए मैं फ्राई किया था बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो उसके साथ साथ फिर मैंने मिंट को कर लिया था चॉपर में। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना हिस्सा, वो है आपने इसको अच्छी तरह से फॉलो करना है। जो आपने पिन ये है ना पुदीना, इसको अच्छी तरह से आपने चॉप करना है। इसमें आपने लहसुन और अदरक और हरी मिर्चें ये साथ डाल के ये आपने अच्छी तरह से चॉप कर लेनी है, बिल्कुल बारीक बारीक सी। तो उतनी देर में जो प्याज था ना वो भी थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, तो फिर उसमें मैंने ये सारी जो चीज़ें थी ना ये चॉप की हुई वो डाली, और फिर इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ना इसको मैंने अच्छी खासी इसकी भुनाई कर ली थी। और इसी स्टेप में इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत मज़े की, क्योंकि इसमें सॉल्ट भी डला हुआ था ना साथ, तो वो चिकन बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो जाता है। साथ में फिर मैंने इसमें डाल दिए थे नमक मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर डाला था, वो जितना आपका चिकन हो उस हिसाब से आप डालें, रोज़ के खाने के हिसाब से इंसान को आइडिया हो जाता है। तो फिर इसको मैंने थोड़ी सी देर भुना था ताकि जो मसाले हैं ना नमक मिर्च वगैरह उसका कच्चापन जब ख़त्म हो गया, तो फिर इसमें डाला था मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाला था, क्योंकि बोनलेस चिकन तो वैसे ही भूनते हुए अच्छा खासा पक जाता है, लेकिन ग्रेवी अंदर थोड़ी सी बनानी थी, क्योंकि यशवा तो चिकन खाती नहीं, उसने इसकी ग्रेवी ही खानी होती है, बोनलेस हो चाहे वैसे दूसरा चिकन बनाओ। तो वैसे भी 1 कप पानी से ना ये इसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन गई थी। तो फिर जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया था, ऑयल सेपरेट हो गया, फिर इसमें मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट के डाला था। और जब भी दही डालें ना तो इसका फ्लेम आप लो कर लिया करें, किसी भी खाने का जिसमें आपने दही डालना होता है, तो फिर उसकी गुठलियाँ सी नहीं बनती। तो बस दही डाल के तो फिर मैंने इसको रखा था 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर, तो इसकी ग्रेवी अच्छी सी पक गई थी, जो दही था उसमें से भी जो ऑयल था ना वो सेपरेट हो गया था। तो लास्ट में मैंने इसमें डाली थी सूखी मेथी जो होती है, मेथी डालने से एक ये भी होता है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है खाने में, और अगर आपके खाने में ऑयल सेपरेट नहीं हो रहा तो आप थोड़ी सी मेथी डालें ना तो ऑयल भी सेपरेट हो जाता है। और साथ में मैंने फिर डाल दिया था गरम मसाला, इससे खाने में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप स्टार्टिंग में खाने में डाल दें ना गरम मसाला, तो वो सारे खाने का जो रंग है ना वो ब्लैक सा हो जाता है। तो ये जी मज़ेदार सी बलोची कढ़ाई बिल्कुल इजी एंड क्विक रेसिपी है, तकरीबन 15 मिनट में आपका ना ये जो है चिकन कढ़ाई बलोची जो है ये आपकी रेडी हो जाएगी। और इसकी सबसे जो अहम चीज़ थी ना वो इसके अंदर पुदीना था, वो आपने ज़रूर डालना है।
और दोपहर का खाना खा के फिर मैं आई थी पिंगो दोस्त, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं तो इसलिए कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ पे, और शॉपिंग हमने कर ली थी। और बोर्ड पे यहाँ पे ना बस का टाइम दिखा रहे होते हैं, ये बोर्ड लगे होते हैं सब बस स्टेशन पे, यहाँ पे 5 मिनट दिखा रहे थे और तकरीबन हम आधे घंटे से खड़े थे। एक ये 7:12 और जब मैं बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ 7:06, ये दोनों बसेस हमेशा ही लेट होती हैं, बहुत ज़्यादा लेट होती हैं ये बसें। तो बच्चों ने स्कूल जाना है तो उनकी स्टेशनरी वगैरह लेनी थी, तो वो यशवा तो बड़ी क्लास में है तो उसको बहुत अच्छे वाले कलर जो हैं उसको पता है, ये वाले कलर अच्छे नहीं हैं, ये इनके लाइट कलर हैं, इनके डार्क कलर हैं, तो वो चीज़ें उसकी ढूंढना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी हम यहाँ ग्रासा में ही 2 चाइनीज़ स्टोर हैं, एक तो बंद हो रहा है, ये बहुत अब मुझे मुश्किल पड़ गई है। एक छोटा है, वहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं जो मैंने ले ली हैं, और बाकी अब लिडल और पिंगो दोस्त। यहाँ पर जब स्कूल स्टार्ट होते हैं ना तो फिर वहाँ पर भी काफ़ी सारी ये स्कूल की जो सारी चीज़ें वगैरह होती हैं वो आती हैं, तो अब हम किसी और दिन मैं लिडल जाऊंगी तो फिर वहां से चेक करूंगी। धूप देखिए आप कितनी तेज है, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान वाली गर्मी है, और बस नहीं आ रही थी। और ये एक मिनी बस है यहाँ पे, ये टूरिस्ट होती है बस, इसमें जैद को बैठना बहुत पसंद है, और जब भी गुजरता कहते हैं मामा हम इसमें कब बैठेंगे, मैंने कहा बेटा पता नहीं कब बैठेंगे, अभी तो घर की बस आ जाए तो बस हम घर पहुंचे। घर आके फिर यशवा को चिकन नहीं खाना था, उसने अपने लिए पिज़्ज़ा बनाया, और अब अच्छी खासी चीज़ें बना लेती है। मैं भी मना नहीं करती कि बच्चे इसी तरह चीज़ें बनाना सीखते हैं, और ख़राब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, तो इसलिए मैं उसको मना नहीं करती, लेकिन वो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना लेती है। तो बस ये थी आज की रूटीन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।